हाई डियर स्टूडेंट्स आई एम शंडे सर एंड वेलकम्स यू टू स्टूडेंट पॉइंट अकेडेमी इन दिस टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अ इंग्लिश लेसन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ फोर्थ स्टैंडर्ड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेसन नंबर ट्वेंटी फाइव अ लिटिल वर्ड्स लेसन नंबर ट्वेंटी फाइव है लिटिल वर्ड्स लिटिल मतलब होता है छोटे और वर्ड्स मतलब होता है शब्द छोटे शब्द तो इस दिस इज अ स्मॉल पोएम रिटन बाय बेंजामिन दिस इज़ अ स्मॉल पोएम रिटन बाय किट किच इज़ द पोएट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम नाउ व्हाट ही वुड लाइक टू टेल अस हियर दैट ड्यू टू अ स्मॉल स्मॉल वर्ड्स लिटिल वर्ड्स देर कैन बी डिफरेंस बिटवीन द टू कैन फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू रिलेशंस दे आर सेपरेटेड ड्यू टू द स्मॉल वर्ड्स तो कैसे छोटे से शब्द की वजह से दो अच्छे मित्रों में दुश्मनी हो सकती है पोएट हमें ये बताने चाहते हैं नाउ दिस नंबर ए एंड फ्रेंड बी ये दोनों दोस्त हैं अब पिक्चर से हमें दिखाई दे रहा है कि दे आर हैविंग डिस्कशन मतलब इनमें कुछ तो भी मतभेद हुआ है वॉट इज दैट यस यू डीट टू फर्स्ट फ्रेंड सेकेंड से कहता है yes, यस हाँ डिड टू तुमने ये किया है तुमने ही किया है और दूसरा कहता है आई डिड नॉट आई डिड नॉट दस बाय लिटिल वर्ड इन्हीं छोटे से शब्दों के हाँ तुमने किया है नहीं मैंने नहीं किया दिस लिटिल वर्ड है ना तुमने किया है मैंने नहीं किया इसी पे दिस अनकाइंड अनकाइंड मतलब होता है दयाहीन अर्थहीन जिसका कोई अर्थ नहीं है यू डिड यू डिन इसमें कोई वैल्यू नहीं है इस शब्द की बट दस बाय अनकाइंड लिटिल वर्ड्स टू फ्रेंड्स वर पार्टेड टू फ्रेंड्स वर पार्टेड पार्टेड मतलब सेपरेट सेपरेट मतलब अलग हो गए दो अच्छे दोस्त अलग हो गए नाउ पार्टेड मतलब होता है सेपरेट और फॉन्ड फ्रेंड्स मतलब होता है क्लोज फ्रेंड फॉन्ड फ्रेंड्स मतलब प्रिय मित्र फॉन्ड मतलब प्रिय प्यारा प्रिय बेस्ट ओके टू बेस्ट फ्रेंड्स वर पार्टेड दो, दोनों दोस्तों में मतभेद हो गया फिर आई एम सॉरी फिर से ये छोटा सा ही शब्द सो आई एम मुझे माफ कर दो और दूसरा भी कहता है हाँ, मुझे भी माफ कर दो दर्ज अ लिटिल क्वारल एंडेड और ये छोटा सा जो टकराव था ये छोटा सा झगड़ा था

मिलना हम यहां पे ज्वाइन नहीं कहेंगे मिलना कहेंगे फिर से इन्हीं दो छोटे शब्दों की वजह से दोनों दोस्त मिल गए एक दूसरे से मिल गए मेंडेड मतलब होता है रिपेयर्ड मतलब होता है रिपेयर मतलब उनकी दुश्मनी खत्म हो गई और वो फिर से एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए तो डियर स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर पोएम शॉर्ट पोएम

और दूसरा है सो आई एम सो एम आई सो एम आई तो दो छोटे से शब्दों की वजह से दोनों में मतभेद हो गया लेकिन उसी तरह के दो छोटे से शब्दों की वजह से उन दोनों में फिर से फ्रेंडशिप हो गई सो डियर स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर पोएम वी केम टू नो दैट शब्द जो होते हैं हमें हम दूरिया भी पैदा कर सकते हैं और हमें क्लोजनेस भी ला सकते हैं हमें एक साथ भी ला सकते हैं तो हमें शब्दों को समझना है एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना है तो हियर वी स्टॉप दिस पोएम एंड वी हैव लर्न दैट हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना है और मतभेद नहीं करना है सो डियर स्टूडेंट नमस्कार दोस्तों स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है यह एक छोटा सा सर्वे है क्या आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, तो दिए गए क्यू आर कोड को स्कैन करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद so students, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें